अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट मलिक वसीम रज़ा आज एक फिर नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़राअत के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। दोस्तों, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। आज का हमारा टॉपिक अहम है कि ज़ोला की औसत पैदावार आप 30 से 40 मन फी एकड़ किस तरीके से ले सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारी किस्म हैं कैनोला की, जैसा कि खानपुर राया हो गया, सुपर राया हो गया, इसके अलावा चोलिस्तान राया हो गया। ये सारी वैरायटीज़ क्या हैं, गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड हैं। मैं आपको इनका मशवरा भी दूंगा, लेकिन जो है ना कैजोला, ये फोर ब्रदर की एक फ़खरिया पेशकश है। इसकी औसत पैदावार आप 30 से 40 मन फी एकड़ ले सकते हैं। इसका बेहतरीन तरीका क्या है कि सबसे पहले आपने ज़मीन की तैयारी अच्छे तरीके से करनी है। ज़मीन की तैयारी करने के बाद आपने क्या करना है, इसके पटड़ियों के ऊपर इसको काश्त करना है खेले बना के। तो 4 इंच के वक्फे से आपने इसको काश्त कर लेना है। जब इसको काश्त कर लेंगे तो इसके बाद अब आता है इसके पानी का मरला, इसको किस तरीके से पानी लगाना है और इसमें कौन कौन सी खादें इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, पहला पानी आपने लगाना है 20 से 25 दिन के वक्फे में, और इसके बाद जो आपने दूसरा पानी लगाना है वो आपने लगाना है 1 महीने बाद। ये नहीं कि 20-25 दिन पानी लगाने के उस के 1 महीने बाद या फिर काश्त के 1 महीने बाद, नहीं, आपने क्या करना है, जब 20 से 25 दिन बाद पानी लगाएंगे उससे 1 महीने बाद यानी 55 से 60 दिन के अंदर आपने दूसरा पानी लगाना है। इसके बाद आपने जो तीसरा पानी लगाना है वो लगाना है 90 दिन के अंदर, यानी जब आपकी फसल 3 महीनों की हो जाएगी तब आपने तीसरा पानी लगाना है। अगर बीच में बारिशें वगैरह हो जाती हैं तो 2 पानी के ऊपर भी आपका कैजोला पक सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अब आते हैं खादों के शेड्यूल पर कि खादें कौन कौन सी इस्तेमाल करके हम 30 से 40 मन फी एकड़ पैदावार ले सकते हैं। दोस्तों, पहले नंबर पर आता है DAP। आपने DAP फी एकड़ 1 बोरी इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा आपने यूरिया फी एकड़ 1 बोरी इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आपने SOP का इस्तेमाल करना है। 10 किलो या 12.5 किलो की पैकिंग में मार्केट में मौजूद हैं SOPs, जो सालों पहले हैं, वो आपने लेकर इस्तेमाल करनी है। इससे दोस्तों क्या होगा कि आप 30 से 40 मन जो फी एकड़ पैदावार है वो बरकरार रख सकेंगे। इसके अलावा कुछ इलाके ऐसे भी होते हैं जो रेतले होते हैं या जहाँ पर ज़मीन मैरा नहीं होती, हल्के किस्म की होती है, वहाँ पर 4 से 5 पानी भी लगाने पड़ते हैं। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। बाज़ के साथ दोस्तों का मसला ये भी आता है लास्ट पे कि हम तो रिकमेंड कर देते हैं कि आप 30 से 40 मन फी एकड़ पैदावार ले सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि जो महकमा सिफारिश करता है तरीकाकार, इसको या तो वो कुछ दिन बाद इस्तेमाल करते हैं या फिर कुछ दिन पहले इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि वक्त से पहले या वक्त के बाद कोई भी चीज़ को इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसका खातिर खा रिज़ल्ट नहीं मिलता। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने वत्तर काश्त करना है कैजोला, यानी आपने वत्तर के ऊपर छटा काश्त करनी है, ड्रिल नहीं करनी और खेलों के ऊपर काश्त नहीं करना, तो आप 1 अक्टूबर से पहले इसको हरगिज़ काश्त ना करें, क्योंकि इस वक्त मौसम जो है ना वो शदीद गर्म चल रहा है। तो दोस्तों, आपने इसको 1 अक्टूबर से पहले हरगिज़ काश्त नहीं करना। अगर आप 1 अक्टूबर से पहले इसको काश्त करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी औसत पैदावार 30 से 40 मन नहीं आएगी, और आपने खादों का बर वक्त इस्तेमाल नहीं किया तो इससे भी आपकी औसत पैदावार मुतासर हो सकती है। और तीसरे नंबर पर अगर आपने पानी भी बर वक्त नहीं लगाया तो इससे भी आपकी औसत पैदावार मुतासर हो सकती है। दोस्तों, आपने काश्त करते वक्त हर चीज़ को मलहूज़ खातिर रखते हुए अमल करना है। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए WZ Agri Point के साथ। अल्लाह हाफिज़।